जैसे इसराइल का एग्जाम्पल, हम इसराइल से शुरू करते हैं। तो जो 17 सितंबर का जो लूनर एक्लिप्स लगा था, उसकी जो धुरी थी वो इसराइल से होते हुए गई है, ठीक है। और मैंने उसके 4 दिन पहले, 14, आई थिंक 14 सितंबर को मैंने एक ग्रहणों पर पोस्ट डाली थी। उसमें मैंने बताया था, क्योंकि मंगल अभी मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और वहां पे आर्द्रा, राहु का सबसे भयंकर जो नक्षत्र होता है वो आर्द्रा नक्षत्र होता है, आर्द्रा से गोचर कर रहे हैं। और मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि होती है, गैजेट्स की। राहु खुद ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के द्योतक है, और राहु और मंगल घोर शत्रु हैं, और उसके साथ ही ग्रहण भी लगा है उसी दिन, और उसकी धुरी इसराइल से होते हुए गई है, और मंगल जो है वो पुरुषों के द्योतक हैं। तो इन सभी को जोड़ते हुए और भी स्थान बताए थे मैंने उनमें से। हाँ, तो उसके हिसाब से और बिल्कुल जो जो जैसा लग रहा था वही हुआ। ज्यादातर पुरुष अफेक्ट हुए हैं, जिन पेजर अटैक में पेजर फटे हैं, और उसके अगले दिन वॉकी टॉकी फटे हैं। और उसके अलावा काफी समय से, जैसे मैं बताती आ रही थी कि किसी ना किसी राष्ट्राध्यक्ष या कोई कोई बड़े लीडर की जान को खतरा है। तो जैसे ट्रंप पे असैसिनेशन होते आ रहे हैं, उसके साथ ही अभी की न्यूज आई है कि कल बेरूत में जो हिजबुल्ला का जो चीफ है, हसन नसरुल्ला, उनको भी खत्म कर दिया IDF ने। तो ये पूरा एक शुरू ही हो गया, ये चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा था संदीप जी मैंने, और देखिए ज्यादातर पुरुष उस वाले में अफेक्ट हुए थे, क्योंकि मंगल राहु से भिड़ रहा था और मंगल पुरुषों का द्योतक है। तो देखिए, सही ज्योतिष नहीं बात है, ज्योतिष की सफलता है। है। यही है हिजबुल्ला के जो लीडर हैं जिनके बारे में श्वेता पुरोहित जी बता रही हैं, इजराइल ने इनको हसन नसरुल्ला इनको बेरूत में मार दिया है। और हाँ मिडिल ईस्ट, हाँ मिडिल ईस्ट पूरा उथल पुथल से गुजर रहा है। श्वेता जी का मैं मिडिल ईस्ट को लेकर भी जो था वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। श्वेता जी आपने ये लिखा था 6 सितंबर 24 से 28 अक्टूबर तक मंगल आर्द्रा पुनर्वतु और पुष्य नक्षत्र समूह पर गोचर करेगा। इसका असर नॉर्थ ईस्ट भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रधान क्षेत्र पर रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपने कहा, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल परसों अरुणाचल प्रदेश में शंकराचार्य जी को एंट्री नहीं देने दिया गया, पूरा उबल गया। और नागालैंड में कल पूरी सरकार एयरपोर्ट से शंकराचार्य जी को लौटा दिया है। और मणिपुर पूरा जल रहा है, मणिपुर में मतई के साथ नरसंहार हो रहा है। और उत्तर पूर्व भारत में बड़े पैमाने पर कुकी और जो म्यांमार के घुसपैठ है इसको वहां के सरकार ने कहा है पुनः बढ़ गया है। तो उत्तर पूर्व भारत में जो आपने कहा था वो बड़ा परफेक्ट हो रहा है। तो मैं कहूंगा इसका जो विश्लेषण है ये तो बड़ा परफेक्ट हो रहा है। जी संदीप जी, उत्तर पूर्व भारत मैंने इसलिए कहा था, एक मिनट मैं वापस से अपने कुरु चक्र को रिफर करूं, तो उत्तर पूर्व भारत में वही मंगल के ही कारण हो रहा है, और इसके साथ ही अभी हाँ मंगल अभी क्योंकि मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और मिथुन राशि में ही पड़ते हैं ये आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। तो ये मंगल के कारण ये स्थिति बन रही है, मंगल के अभी के गोचर में। और इसके साथ ही मंगल जो है वो जो कर्क राशि है, मिथुन और कर्क राशियों में ये नक्षत्र पड़ते हैं तीन, और कर्क राशि में जाकर के मंगल नीच के हो जाते हैं, तो वहां पे और भी ज्यादा इस तरह की परिस्थितियां दिख सकती हैं, इस हिसाब से देखा था। अच्छा, गैजेट्स वाली बात में जैसे आप बताए थे मोबाइल को, एक बहुत बड़ी घटना इसलिए है कि अब मानव जो जो हम लोग हैं, हमारा मोबाइल और पेजर तो अब यूज नहीं करता कोई, बट हाँ मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज कर की तरफ जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदल गया है। अब हम बहुत केयरफुल रहते हैं, और हमें हमें ये इस चीज का पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ट्रैकेबल हैं, और सारी सारी इंफॉर्मेशन वो तो हमें पता ही है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, अब लोग कहते हैं जैसे वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती, एवरीथिंग कैन बी हैक्ड, ठीक है। और हाँ, हर चीज हैकेबल है, और हर चीज की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, सेफ है, तो ऐसा देयर इज नथिंग लाइक सेफ एंड सिक्योर। तो और इसके साथ ही बम है, तो ये इनको कभी भी, अब जैसे AI आ रहा है फॉर एग्जाम्पल,
अगर एआई की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई, जो अब टेक्नोलॉजी है जहां अच्छे चीजों के लिए उपयोग होती है वहां गलत लोगों के हाथ में भी पड़ती है, तो आप सोचिए कितना इसका वेपनाइजेशन किया जा सकता है। तो लोग खुद ही अपने, एक समय ऐसा ना आए कि अपने मोबाइल लैपटॉप इत्यादि उठा के फेंक दें अपने हाथ से अपनी जान बचाने की, ऐसी हालत आ रही है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और ये बड़ा मतलब इजराइल ने कैसे वो पेजर में घुस गया, वो रेडियो में घुस गया, वो वॉकी टॉकी में घुस गया, वो मोबाइल वाला अब तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और कैसे ग्रह नक्षत्र इसको दिखा रहे हैं। तो श्वेता जी, भविष्य में आपको लग रहा है कि ये दशा कब सुधरेगी, क्योंकि बिना मोबाइल बिना गैजेट के तो कैसे जिएगा आदमी? फिर कुछ दूसरी तरह से कुछ और आएगा कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ नए। आप जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो वो तो कर ही रहे हैं ना, हमको सोचने, हम सोचे उसके पहले उनके पास में कुछ ना कुछ एजेंडा तो तैयार ही होगा। हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन बदलेगा, कम तो नहीं होना, क्योंकि ये जो भूख है ये बढ़ती जाएगी, बट मे बी इट विल बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने कहा था वृश्चिक राशि पीड़ित चल रही है। वृश्चिक राशि जो होती है ये युद्ध की द्योतक होती है, ठीक है। और अभी हम देखें तो दो फ्रंट पे एक्टिव युद्ध चल रहा है, एक फ्रंट है रशिया यूक्रेन और दूसरा फ्रंट है इसराइल और इसके नेबर्स। और ये जो स्थिति है वृश्चिक राशि जब से पीड़ित हुई है तब से शुरू, जब से ज्यादा एस्केलेट हुई है। रूस का जो है वो तो 2022 से ही चल रहा है, बट ये और एस्केलेट हो गया है। और जो आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो ये स्थिति चलेगी, वर्तमान में तो पीड़ित चली रही है, इसके साथ ही अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में थोड़े आगे आने वाले समय में, वर्षों में, तो 29 मार्च अगले साल 2025 को बहुत बड़ी तीन घटनाएं हो रही है। एक तो शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है, ठीक है। मीन राशि वो राशि है जो मेष राशि से एक राशि पहले होती है, तो शनि जनरली जब मीन राशि और मेष राशि में तो शनि नीच के होते हैं, ठीक है, तो अच्छा प्रभाव नहीं देते दुनिया में। जनरली वॉर्स वगैरह होती हैं क्योंकि वहां पे शनि सबसे कमजोर हो जाते हैं, उनकी कमजोर राशि है मेष राशि। और मीन राशि एक राशि पहले पड़ती है मेष राशि से, तो इसलिए जैसे आपने मालिका में सुना होगा मीनो शनि मीनो, वो वहां से कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए वो भय रहता है। एक तो मीन शनि हो रहा है 29 मार्च को, और उसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और उसी समय वहां पे 5 ग्रह और रहने वाले हैं 29 मार्च को अगले साल 2025 में। अच्छा, हाँ, तो ये एक बहुत मीन राशि में एक बहुत भयंकर सी स्थिति बन रही है। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे प्लैनेट्स एक राशि में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये बहुत एक बहुत ही हमें, मुझे सोच के डर लग रहा है कि व्हाट दिस माइट ब्रिंग, ठीक है। मतलब मार्च 2025 खतरनाक होगा जी। तो जो मैं वृश्चिक राशि की तरफ बता रही हूँ, वृश्चिक राशि जो है वो वहां से नवी राशि पड़ती है मीन राशि से, और नाड़ी के अनुसार ये त्रिकोण में पड़ती है। जल तत्व की राशि होती है मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो होती है वो युद्ध की द्योतक होती है। तो एक तो बहुत बड़ी घटना 29 मार्च को हो रही है, चीजें एस्केलेट होंगी 29 मार्च को। इसके साथ ही तो शनि तो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो 2.5 साल तक के तो वो स्थिति चलेगी, ठीक है। जून 2027 तक के शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर राहु का और राहु केतु का भी गोचर होगा, तो राहु का तो ठीक है मकर राशि में, पर केतु का कर्क राशि में, एक और जल तत्व की राशि में एक और प्लैनेट, मेलिफिक प्लैनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो केतु तो ये दोनों मिलकर के वृश्चिक राशि को, और ये यहाँ रहने वाले वर्ष 2028 तक, ठीक है। दो मेलिफिक मतलब दो नकारात्मक ग्रह जो हैं वो जल तत्व की राशियों में बैठ रहे हैं, और लगातार वृश्चिक राशि जो युद्ध की राशि है उसको पीड़ित कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये एस्केलेट होने वाली है, और संदीप जी युद्ध की ये धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जल्दी ही एक ऐसी, मुझे लग रहा है 29 मार्च जो मैं बता रही हूँ नेक्स्ट ईयर 29 मार्च 2025
ऐसी कुछ स्थिति आएगी कि पूरे विश्व की जितने देश है सबको कहीं ना कहीं अपने स्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि हम किस तरफ हैं। कि भारत का क्या होगा फिर उस समय, भारत की दशा क्या दिखा रही है मार्च 2025 में? भारत की तो अगले साल सितंबर से वैसे ही मंगल की दशा शुरू हो रही है। मतलब भारत के लिए 25 जो है वो पूरा उथल पुथल वाला रहने वाला है, दुनिया के लिए तो रहेगा भारत के लिए। 2025 से 2032 तक के भारत की मंगल की महादशा रहने वाली है, तो भारत के लिए भी ये ठीक नहीं है। और उसी दिन मैं आपको बताऊं 29 मार्च की जो डेट है जिस दिन ये सब कुछ भारत की जो महादशा शुरू हो रही है वो सितंबर 2025 से हो रही है, और 10 सितंबर को शुरू हो रही है, और जो उसके इफेक्ट्स है वो हमें एक महीने पहले 10 अगस्त से ही दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और पूर्व चक्र के अनुसार मैंने देखा है तो उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इस चीज के हमें इफेक्ट्स ट्रिकल डाउन होने शुरू होंगे, या तो वो भूकंप के फॉर्म में हो सकते हैं, या युद्ध की स्थिति बन सकती है, या पहले भूकंप हो सकता है बाद में, ऐसे कुछ बन रहा है, बट इट इज वेरी डेंजरस, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। तो ये मुझे दिख रहा है।